रतलाम में इन दिनों अवैध असलहों के प्रदर्शन का ट्रेंड सा चल पड़ा है। हाथों में हथियार लेकर प्रदर्शन करना और वीडियो बना कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कराना लोगों का सगल बनता जा रहा है। हालांकि सतना पुलिस इस नई किस्म की चुनौती से निपटने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही एक मामले में तमंचे पर डिस्को करने वाले युवक को हवालात की हवा खानी पड़ी है, जबकि तलवार लेकर गाँव वालों को धमकाने की कोशिश भी एक पर भारी पड़ी है। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सिंहपुर थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो पर एक्शन लेते हुए लालपुर निवासी पुष्पेंद्र यादव उर्फ गुड्डू पिता बद्री यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुष्पेंद्र ने हाथ में कट्टा लेकर डांस करते हुए एक वीडियो बनवाया था और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपलोड भी कर दिया था। पुलिस इस मामले में उसकी तलाश कर ही रही थी कि इसी बीच सूचना मिली कि वह अपने गांव लालपुर में कट्टा लिए घूम रहा है। सिंहपुर पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से कट्टा कारतूस बरामद किया गया है। सिंहपुर पुलिस ने तमंचे पर के शौकीन आरोपी के खिलाफ आर्म्स और एडी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अमरपाटन थाना पुलिस ने ग्राम नैना में दबिश देकर अखिलेश मिश्रा पिता उम्र 52 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी संदीप भारती के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गांव में लोगों के साथ गाली गलौज कर रहा है और तलवार लेकर धमका रहा है। पुलिस वहां पहुंची तो अखिलेश मिश्रा तलवार लिए खड़ा पाया गया। उसे गिरफ्तार कर तलवार जब्त कर ली गई है। इसके अलावा उसके पास एक बंदूक होने की भी सूचना और फोटो पुलिस को मिली थी। लिहाजा पूछताछ कर तलाशी ली गई तो उसके पास घर में एक एयर गन भी पाई गई है। पुलिस ने एयर गन भी जब्त कर ली है।